السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सल् नबी सल्लम तज की हमारी नशस्त जो है उसमें वक्फ़ के तल्लक़ से कुछ मसाइल बयान किए जाएँगे अल्लाह तबारक तीन इस्लाम हमें अता फरमाया और जो शरीत मुस्तफ़ी हमें अता फरमाया उसमें हर शोबे से मुत्ल मसाइल मौजूद हैं और जिस शोबे से जिस इंसान का ताल्लुक हो उसे शोबे से मुतालिक मसाइल का जानना भी ज़रूरी है और इंसान अवकाफ़ में भी मुलविस होता है वक्फ़ भी करता है तो उसके लिए वक्फ़ के मसाइल का जानना भी ज़रूरी है और वक्फ़ जो है वो हर कोई इंसान कर सकता है और करता भी है तो उसके ताल्लुक से भी जो मसाइल हैं और कैसे वक्फ़ होता है वक्फ़ किससे कहते हैं कब वक्फ़ नहीं होता ये सारे मसाइल जानना उसके लिए भी ज़रूरी है <स्वाँगा> सबसे पहले तो ये कि वक्फ़ कहते किसे हैं तो वक्फ़ कहते हैं अपने माल को अपनी मिल्कियत को अपनी मिलकियत से निकाल कर अपने माल को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल कर देना और उसके मुनाफे उसके फ़ायदे अल्लाह के बंदों के लिए कर देना इसे वक्फ़ कहते हैं यानी अगर किसी ने अपना मकान वक्फ़ किया तो ये मकान उसकी मिलकियत से निकल जाएगा और वो अल्लाह की मिल्कियत में हो जाएगा उसके मुनाफे मना, उसका फ़ायदा ये आम लोगों के लिए फकर मसाकिन के लिए इस्तेमाल होगा जिस चीज के लिए वो बंदा वक्फ़ करेगा उसमें वो इस्तेमाल होगा आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सरकार वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बे, यानी बेहतरीन इंसान जब मर जाता है तो उसके तमाम अमाल उससे मुन हो जाते हैं सिवाय तीन अमल के एक सबका जारिया यानी अगर किसी शख्स ने कोई वक्फ किया हो सबका जारिया किया हो जैसे कि मस्जिद या मदरसा या कुआँ वगैरह या आ, कोई ऐसा काम ताम, ताम, मुसाफिर खाना वगैरह तामीर कर दिया तो ये जब तक बरकरार रहेंगे और लोग उससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे उसे उसका सवाब मिलता रहेगा और इसी तरह से अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरा इल्म है कि जिससे मरने वाले के मरने के बाद भी लोग फ़ायदा हासिल करते रहे तो उसका सवाब भी मरने वाले को मिलता रहेगा और तीसरा नेक के जो मरने वाले के लिए दुआ करे तो इसका सवाब भी उसे मिलता रहेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन चीज़ों में जो पहली चीज़ बयान फरमाई वो है वक्फ के बंदा कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा काम कर जाए कि उसके मरने के बाद भी लोग उससे फ़ायदा हासिल करते रहें और उसका सवाब उसे मिलता रहे इसी तरह से हज़रत उमर फारूक रजियन को खैबर की एक ज़मीन मिली है बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक को एक खैबर की जमीन मिली तो रिसालत में उन्होंने अर्ज किया इससे इससे पहले इस बेहतर और उम्दा नफीस माल मुझे पहले कभी नहीं मिला तो यारसोल्ला क्या मैं इसे सदका कर दूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया अगर तुम चाहो तो इसकी असल को बरकरार रखो अपनी मिल्कियत में बा, बाकी रखो और उसका मुनाफा उससे फायदा हासिल करना ये लोगों पर सदका कर दो तो है तो ऐसा ही किया कि वह जमीन जो है आपने वक्फ़ कर दी कि उम्र की मिल्कियत में बरकरार रहेगी लेकिन यह कि उसका मुनाफा उसका फायदा ये लोगों को हासिल होगा तो यह भी वक्फ रहते हैं सादब्नबादा रजी अल्लाहन उन्होंने बारगा अर्ज किया यार सोल्ला मेरी माँ का इंतकाल हो गया अब अगर मैं उनकी जानब से कोई सदक़ा करू तो क्या उन्हें स्वाब मिलेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल उसका सवाब मिलेगा तो उन्होंने आज किया साद सादब्न उबादा ने आज किया अरसोल्ला में क्या काम करूँ या क्या सदका करूँ तो सरकार ने उस वक्त चूंकि पानी की सख्त ज़रूरत थी पानी मदीने मुनवरा में पानी की बड़ी किल्लत थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पानी सदका करो कुआं खुदवा कर पानी सदका कर दो तो साद हतन उबादा ने एक कुआं खुदवाया और खुदवाने के बाद वहां खड़े होकर आपने ये इर्शाद फरमाया कि ये कुआँ सात के लिए है यानी सात की माँ के लिए है कि जब तक लोग इस कुएं से फायदा हासिल करते रहेंगे उसका सवाब हत की वालदा को मिलता रहेगा तो ये भी जो है वक्फ की एक सूरत थी कि उन्होंने कुआं खुदवा कर वक्फ किया इसी तरह हरतेमान गनी रदी अल्लाह तुने जब मद्दीन मनवरा में पानी की बड़ी परेशानी थी साहब के लिए मुसलमानों के लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आपने बीर रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया तो ये वक्फ करना जो है वो अल्लाह के लिए होता है और बंदे का मकसद जो है वो अल्लाह तबारक की रजा हासिल करना अगर किसी शख्स ने रियाकारी के लिए दिखावे के लिए वक्फ किया तो फिर ये वक्फ सही नहीं होगा ये वक्फ जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होता है और मकसूद जो है उससे स्वाब हासिल करना होता है जब तक वो चीज़ बरकरार रहेगी उससे लोग फायदा हासिल करते रहेंगे वो आ, उस आ, उसका सवाब उस बंदे को जिसने वक्फ किया है उससे मिलता रहेगा और इसी तरह से अगर किसी शख्स ने जो चीज़ वक्फ की है वो कैसी होनी चाहिए तो ये कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ को वक्फ करना चाहता है तो चीजें दो तरह की होती है एक अशियाए मनकुला और एक अशियाए गैर मनकुला मतलब यह है कि एक चीज तो वो होती है जिसे हम इधर से उधर ले जा सकते हैं और एक वो चीज होती है जिसे हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते मिसाल के तौर पर जमीन है मकान है दुकान है ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें हम इधर से उधर ले जा नहीं सकते तो इसे अशियाए गैर मनकूला कहा जाता है गैर मनकूल है नकल नहीं की जा सकती इधर से उधर ले जा नहीं जा सकती और एक है अशियाए मनकूला मतलब ये कि मनकूल की जा सकती है नकल की जा सकती है इधर से उधर ले जाई जा सकती है इसमें बहुत सी चीज़ें आती है इसमें किताबें भी आती है इसमें सवारियां भी आती है इसमें फर्नीचर भी आता है इसमें हर चीज आ जाती है तो आ, ऐसी चीजें जो मनकुला हो वो तो वह तबाक़ उसे वक्फ करना सही है अशिया मनकुला से मुराद ये है कि गैर मनकुला से मुराद ये कि जमीन है मकान है दुकान है तो ये तमाम चीज़ों को वक्फ करना ये तो बिल्कुल दुरुस्त है सही है बिलजुमा इसमें किसी का कोई इख्तराफ नहीं अलबत अशिया गैर मनकुला को वक्फ करना सही नहीं है लेकिन उर्फ़ और रिवाज के अतबार से जो रिवाज हो गया हो जहाँ भी जो उर्फ़ और रिवाज बन गया हो कि वहाँ वो चीज़ वक्फ़ की जा सकती हो तो वो चीज़ें फिर वहाँ वक्फ करने का रिवाज के एतबार से जवाब पैदा हो जाएगा वो वक्फ़ करना जायज़ होगी मिसाल के तौर तो पर कुरान पाक है उसे भी इधर से उधर ले जाया जा सकता है लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है बल्कि पूरी दुनिया में ये रिवाज है कि मस्जिदों में या मदारस में कुरान पाक को वक्फ किया जाता है तो ये वक्फ करना सही है इसी तरह मदारस में किताबों को वक्फ किया जाता है तो ये वक्फ करना सही है और इसके अलावा आजकल जो है मस्जिद की दरिया है चटाइया हैं है, लाउड स्पीकर है माइक है ये सारी चीजें भी ऐसी है जिसे वक्फ किया जाता है और इसका वक्फ करना भी जायज है इसी तरह से आ, लोटा है या नल वगैरह हैं या आ, इसके अलावा कुछ और यानी कि चीजें हैं जैसे कि मस्जिद के चप्पल टॉयलेट वगैरह में जाने के लिए जो चप्पल रखे जाते हैं ये भी अशया मन में से है लेकिन चूंकि इसका रिवाज और उर्फ है इसलिए इन्हें वक्फ करना सही होगा और अब मिसाल के तौर तो पर अगर किसी ने किसी शख्स ने मस्जिद के लिए बाइक या साइकिल या फोर व्हीलर वक्फ की तो ये वक्फ सही नहीं होगा इसलिए कि मस्जिद के लिए इन चीजों को वक्फ करने का रिवाज नहीं है लेकिन अगर मदरसे के लिए उसने वक्फ की तो फिर ये सही होगा कि मदरसे में इससे काम लिया जा सकता है इसी तरह से अगर किसी ने अस्पताल में हॉस्पिटल में उसने एम्बुलेंस वक्फ की तो ये वक्फ करना भी सही होगा तो इसमें जो है बंदा हर उस चीज को वक्फ कर सकता है इधर से उधर ले जाए ले जाने वाली चीज़ों में हर उस चीज़ को वो वक्फ कर सकता है कि जो जिसका रिवाज हो अब आजकल यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वक्फ करना सही है और वो वहाँ के उर, आ, हर जगह के उर्फ और रिवाज के एतबार से हम देखेंगे कि उसका वक्फ करना सही है तो हम उसे वक्फ कर सकते हैं और जब बंदे ने वक्फ कर दी तो जिस चीज के लिए वो चीज़ वक्फ की गई होगी उसे उसी चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है उसके सिवा में उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मस्जिद के लिए माइक और लाउड स्पीकर अगर वक्फ किया तो अब उसे किसी और जगह अब जलसे के लिए उसे मस्जिद से निकाल कर बाहर ले जाए ये जायज़ नहीं है इसी तरह किसी ने कुरान पाक को मस्जिद में वक्फ किया तो अब मस्जिद ही में आमतौर पर यानी मस्जिद में वक्फ इसलिए किया जाता है कि लोग मस्जिद में बैठे बैठ कर पढ़े तो इसे मस्जिद ही में पढ़ सकते हैं मस्जिद ही में रखा जा सकता है इसे आप अपने घर नहीं ले जा सकते इसी तरह से आजकल जो है पंखे ट्यूबलाइट और बल्ब हैं या एसी है या इस तरह की यानी हेड पंप है या मोटर है ये सारी चीजें मस्जिद के लिए वक्फ की जा सकती है इसी तरह से मदारिस के लिए भी वक्फ की जा सकती है और इन चीजों को जिन जगहों पर वक्फ किया गया उन्हीं जगहों में उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है उसे बाहर ले जाया नहीं जा सकता मिसाल के तौर तो पर अगर मस्जिद में जो है किसी ने ठंडे पानी के लिए यानी ठंडे पानी का इंतज़ाम किया है तो अब वो नमाज़ियों ही के इस्तेमाल के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है उसे आप अपने घर वालों के लिए ले जा नहीं सकते वहां बैठ कर तो पी सकते हैं आप नमाज के लिए पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं लेकिन आप भर भर के घर ले जाए ये दुरुस्त नहीं है इसी तरह से चटाइयाँ या दरी वगैरह जो है वो मस्जिदों में वक्फ की गई हो तो उसे मस्जिद ही में इस्तेमाल किया जा सकता है अगर बाहर या किसी और जगह पर फंक्शन हो और आप वहाँ ले जाना चाहें तो आप उसे नहीं ले जा सकते इसी तरह से आ, किसी शख्स ने जनाजे के लिए आ, नहलाने का तख्त या ले जामियत को ले जाने के लिए जो आ, त, आ, एक डोला होता है वो अगर जनाजा उसे अगर वक्फ किया तो वो भी जो है वक्फ किया जा सकता है किसी ने मस्जिद की आमदनी के लिए डेग और बर्तन वगैरह वक्फ किए तो वो भी सारे सामान जो है वक्फ हो सकते हैं और वो किराए पर दिए जा सकते हैं इसलिए कि ये सामान जो है डेग है या बर्तन वगैरह है इसे दिया ही गया है वक्फ किया ही गया है इसलिए ताकि लोग इसे किराए पर ले जाए और उसके किराए से मस्जिद की आमदनी हो मस्जिद का फायदा हो तो उसे ले जाया जा सकता है इसी तरह से कोई ऐसी चीज हो कि जिससे मस्जिद की इनकम के लिए उसे वक्फ किया गया हो तो उसे भी हम किराए पर दे सकते हैं इसी तरह मस्जिद के आ, मकानात हो या मस्जिद की जमीन हो तो उसे भी मस्जिद के फ़ायदे के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मस्जिद के आ, मकानात हों तो उन्हें किराए पर देना और किराया मस्जिद की आमदनी के लिए इस्तेमाल करना यह जायज़ है लेकिन अगर किसी ने मस्जिद के लिए मकान वक्फ किया तो अब अगर उसने मस्जिद के लिए मकान वक्फ किया है तो उसमें इमाम या मौजिन को रखा नहीं जा सकता अगर से मोजिन और इमाम के रखने के लिए कमरा चाहिए फिर भी उसमें रखा नहीं जा सकता है हाँ अगर वो किराया देकर रहते हों तो रह सकते हैं वरना तो आ, उन्हें रखा नहीं जा सकता हाँ अलबतः कि अगर आ, आ, मौजिन और इमाम के लिए मस्जिद की इनकम से अगर कमरा बना दिया जाए कि वो उसमें रहेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और उसमें वो रह सकते हैं इसी तरह से मस्जिद के लिए कॉलोनी वगैरह बनाई मस्जिद की जायद जगह में कॉलोनी वगैरह बनाई तो उसकी भी जो आमदनी होगी वो भी मस्जिद वगैरह में इस्तेमाल हो सकती है अब अगर किसी ने मकान वक्फ किया या दुकान वक्फ की तो इसे बेचा नहीं जा सकता इसे हेबा नहीं किया जा सकता यानी किसी को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता और इसे किसी और के इस्तेमाल में या दिया नहीं जा सकता किसी और को मालिक नहीं बनाया जा सकता ये जो है मस्जिद के लिए हमेशा वक्फ रहेगी लेकिन अगर बाई चांस <coughs> आपने यानी किसी शख्स ने मकान तो नहीं दिया या एक मकान दिया है उसकी आमदनी होती रही मस्जिद के लिए और फिर उस आमदनी से कोई और मकान या दुकान खरीदा तो फिर उसे बेचा जा सकता है यानी मुतवली ने मस्जिद की आमदनी से कोई जमीन खरीदी या कोई मकान खरीदा या कोई दुकान खरीदी और फिर उसे बेचा तो उसे बेचा जा सकता है लेकिन वो नफ्स मकान जिसे वक्फ किया गया मस्जिद के लिए उस मकान को बेचा नहीं जा सकता है और इसी तरह से अगर यानी एक सूरत ये बनती है कि अगर एक है और वो मकान जो है किसी शख्स ने वक्फ किया लेकिन वो ऐसा छोटा सा कमरा है या ऐसा मकान है कि जहां किराया कम आता है उसके बजाय हम दूसरी जगह अगर कोई दूसरा मकान लेते हैं तो वहां किराया ज्यादा आएगा तो हम इसे बेच कर वहां मकान ले ले ये बेचना जायज नहीं होगा लेकिन यह कि अगर ये मकान इतना खराब हो चुका है या टूटना टूटने वाला है कि इसका जो है फायदा नहीं है इससे फायदा हासिल करना जायज़ नहीं है तो उस सूरत में हम दूसरी जगह मकान लेकर हम उस मकान को किराए पर दे सकते हैं इसी तरह से अगर किसी शख्स ने कब्रस्तान जो है वक्फ किया तो कब्रस्तान को भी मुर्दे दफन करने ही के लिए वक्फ समझा जाएगा और उसमें मुर्दे ही दफन किए जाएंगे और जब तक उसमें यानी अगर अभी तक मुर्दे दफन न हुए हों लेकिन फिर भी वो कब्रस्तान की जमीन है तो अब उसे जिस बंदे ने कब्रस्तान के लिए वक्फ किया वो कब्रस्तान ही के लिए यूज होगा उसे किसी और इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता है हाँ अगर कब्रस्तान की जायज जमीन यानी कब्रस्तान में बहुत ज्यादा जगह है मुर्दों को दफन करने के लिए और जायद जमीन कब्रस्तान के लिए किसी ने वक्फ की और उसे अगर किराए पर देना है या उसमें उसमें कोई इमारत वगैरह बनाकर किराए पर देना है ताकि ताकिस्तान की आमदनी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है है लेकिन इस वक्फ वक्फ को जो के लिए है, उसे हम बदल नहीं सकते उसे बेच नहीं सकते उसे किसी को दे नहीं सकते हिबा और गिफ्ट नहीं कर सकते हैं इसी तरह से अगर किसी शख्स ने मदरसे के लिए जमीन दी तो मदरसा ही कायम किया जा सकता है वहां मस्जिद कायम नहीं की जा सकती है और इसी यानी कि मस्जिद किसी शख्स ने मदरसे में किताबें दी तो उसे मस्जिद में नहीं ले जाया जा सकता और मस्जिद के कुरान है वो मदरसे में ले जाए नहीं जा सकते इसी तरह से अगर किसी जगह पर यानी कि कुरान मस्जिद में वक्फ़ किए और तलबा उसे पढ़ना चाहते हैं और अपने मदरसे में ले जाना चाहते हैं तो उसे मदरसे में ले जाकर पढ़ नहीं सकते बल्कि यहीं पढ़ें हाँ इसी तरह लाइब्रेरी में अगर किसी ने किताबें वक्फ की है और ये सारी किताबें वक्फ है और उसने ये यानी कि शर्त रखी है कि भाई वो घर भी ले जा सकता है वक्फ़ करने वाले ने ये शर्त रखी है कि बंदा पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकता है लेकिन उसके लिए उसे कुछ एडवांस जमा करना होगा तो उस शर्त पर जो है हम उसे घर ले जाने की जा, इजाजत दे सकते हैं कि वो घर ले जाए कुछ पैसा जमा करके घर ले जाए पढ़कर फिर वापस जमा करा जाए लेकिन अगर उसने शर्त रखी हो कि नहीं आ, किताब यहीं आकर पढ़ सकता है बाहर नहीं ले जा सकता तो फिर अब किसी को घर ले जाने की इजाजत नहीं होगी तो ये वक्फ के इस तरह के यानी बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है अगर किसी गैर मुस्लिम ने वक्फ़ किया तो उसका वक्फ करना सही नहीं होगा वक्फ़ करने के लिए ज़रूरी और शर्त है कि बंदा मुसलमान हो इसीलिए इसी तरह से ज़रूरी है कि वो आखिल हो और बालिग हो यानी अक्ल वाला हो और बालिग हो तो अगर किसी नाबालिग ने अपनी जमीन मस्जिद के लिए दे दी तो उसका वक्फ करना सही नहीं होगा और उस पर मस्जिद क़ायम नहीं हो सकती है इसी तरह किसी पागल ने अपनी जमीन या कोई चीज वक्फ की तो वो वक्फ भी सही नहीं होगा और वहां पर मस्जिद कायम करना दुरुस्त नहीं है और अगर किसी ने अपना बाग वगैरह है या खेत वगैरह वक्फ किया तो ये वक्फ भी सही होगा लेकिन अगर बाग वक्फ किया उस वक्त उसमें फल लगे हुए हैं तो उस वक्त के जो फल हैं वो वक्फ करने वाले की मिल्कित होंगे आइंदा जो फल आएंगे वो वक्फ के लिए होंगे और अगर खेत किसी ने वक्फ किया तो अगर उसमें खेती लगी हुई है तो वो खेत जो है वो फिलहाल उस खेत का मालिक वक्फ करने वाला होगा आइंदा जो खेती होगी वो खेती जो है वो वक्फ के लिए इस्तेमाल होगी और बंदे ने जिस चीज़ के लिए वक्फ किया उसी में इस्तेमाल होगा अब ये हो सकता है कि किसी शख्स ने अपनी जायदाद जो है वो अपने बच्चों के लिए वक्फ की और ये कहा कि जब तक मेरी औलादों का सिलसिला चलता रहेगा तब तक मेरी औलादों के लिए वक्फ है और फिर अगर मेरी फलादे खत्म हो जाए तो फिर फकरा फक, मसाकिन के लिए तो फिर इस वक्फ ये भी वक्फ कहलाएगा और उस अः उसकी जायदाद की जो भी आ, मिल के यानी कि आमदनी होगी और जो भी मुनाफा फायदा होगा वो उसके बच्चों पर खर्च किया जाएगा और उसके बच्चों पर खर्च किए यानी कि हमेशा किया जाता रहेगा और जब उसके बच्चों की नस्ल खत्म हो जाएगी तब जाकर फिर वो फोकरा मसाकिन पर खर्च किया जाएगा अगर किसी ने यह कहा कि मेरे बच्चों के का खर्च निकाल कर जो बाकी बचे वो फोकरा मसाकिन पर खर्च किया जाए तो उसके बच्चों को देकर जो कुछ भी जायद बचेगा वो फोकर मसाकिन पर खर्च किया जाएगा किसी ने मुसाफिर खाना बना कर दिया या यतीम खाना बनाया या कोई चीज़ जो है वो वक्फ़ की बचा के लिए तो आम तौर पर जो है या अस्पताल में दवाइयां वगैरह वक्फ़ की तो ये सारी चीज़ें अगर उसने कहा कि ये जो है आ... यानी कि अगर तर... यतीम खाना बनाया है या यतीम खाना या इसके अलावा उसने कोई ऐसी चीज़ वक्फ़ की जिसमें गरीब और मालदार दोनों फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तब भी उससे मालदार फायदा हासिल नहीं कर सकते हैं सिर्फ गरीब फ़ायदा हासिल कर सकते मिसाल के तौर पर अगर किताबें <coughs> किताबें उसने वक्फ की है कि ये किताबें मदरसे के लिए वक्फ तो ये गरीब तलबा ही के लिए इस्तेमाल की जा सकती है मालदार तलबा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हाँ अलबत्त उसने इजाज़त दे दी यानी मुतलकन ये कहा कि इसे यानी कि अगर रिवाज हो कि भाई मदरसे में जो किताबें वक्फ की जाती है वो मालदार गरीब सारे तलबा इस्तेमाल करते हैं तो उस उन किताबों को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसी तरह मुसाफिर खाना बनाया और ये कि इसमें जो है मुसाफिरों को ठहरने के लिए मैंने वक्फ किया तो उसमें सिर्फ और गरीब और फकीर मुसाफिर ही ठहर सकते हैं मालदार बगैर उजरत दिए वे नहीं ठहर सकते हैं हाँ अलबत् उसने कहा कि इसमें यानी कि पहले से कह दिया कि इसमें मालदार गरीब हर किस्म के मुसाफिर ठहर सकते हैं तो फिर हर किस्म के ठहर सकते हैं इसी तरह यतीम खाने में भी जो गरीब यतीम होंगे वही ठहर सक वही रह सकते हैं मालदार यतीमों को रहने की इजाजत नहीं होगी और अलबत्त यानी कि वक्फ करने वाले ने इजाजत दी हो कि मालदार भी ठहर सकते हैं तो रह सकते हैं इसी तरह से अस्पताल में दवाई दी और उसने कहा कि इससे यानी जो भी दवा लेने आए उससे दवा देना तो फिर हर एक को मालदार गरीब हर एक को दी जा सकती है लेकिन अगर उसने सिर्फ ये कहा कि भाई मैंने दवाएं जो है वक्फ की अस्पताल के लिए तो सिर्फ गरीबों के लिए होगी मालदारों के लिए नहीं हो सकती है और अगर उसने वजाहत की हो कि मालदार गरीब हर एक के लिए जो भी आए इलाज करवाने उसके लिए ये वक्फ है तो फिर मालदार गरीब हर कोई उसे इस्तेमाल कर सकता है तो बच्चों के लिए भी जो है वो वक्फ हो सकता है और यहां पर जो है वक्फ करने वाला है वो खुद मुतवली हो सकता है या उसने किसी और को मुतवली बनाया तो वो मुतवली हो सकता है और मुतवली जो जो कुछ उसमें मेहनत करेगा यानी कि हिसाब किताब रखता है देखभाल करता है और ये सारे कारोबार संभालता है और उसमें वो वक्त लगाता है तो उसकी उजरत भी वो ले सकता है यानी जितनी आमतौर तो पर उजरत बनती हो उतनी उजरत वो उसमें से ले सकता है उससे जायद उजरत लेना जायज नहीं है इसी तरह से मस्जिद के लिए जो चीज वक्फ हुई है मस्जिद की आमदनी के लिए तो उन चीजों से सबसे पहले इमारत पर खर्च किया जाएगा यानी इमारत में जो भी कमी ज्यादा हो उसके लिए इस्तेमाल होगा उस आमदनी को खर्च किया जाएगा और अगर इमारत के लिए जरूरत ना हो तो फिर जो उस इमारत के आबाद करने वाले मिसाल के तौर तो पर मस्जिद है तो इमाम मोहिन वगैरह मदरसा है तो मदरस वगैरह उन पर खर्च किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है लाइट बिल वगैरह पर खर्च किया जा सकता है और उसके अलावा जो भी मसाले उस चीज मुतसिल हो यानी कि जो भी आ, उस चीज से मुतिक और लायक चीजें हों जिनमें खर्च करने की जरूरत हो उनमें खर्च किया जा सकता है अगर आपको आ...